इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीजापुर साहब। तो कर्नाटक में प्लाज्मा थेरापी का पहला सक्सेसफुल अटैम्प्ट हुआ, वो हमारी खुशनसीबी की है। शहर हुबली में ये अटैम्प्ट हुआ किम्स के अंदर। इसके अंदर डॉक्टर बीजापुर साहब का बहुत बड़ा रोल है। पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो बताइए किस तरह आपने पेशेंट को कन्विंस किया? ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो कन्विंस नहीं हो रहे थे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस पेशेंट के पीछे लगा था और पता चला था कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इस गली में रहता था, ये मेरा सीनियर भी है, इसलिए शायद उससे मेरे बहुत वाबिस्ता भी था। तो जब वो डिस्चार्ज होके आया तो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे थे KMC में, उनसे मालूम पड़ा कि वो ठीक हो गया है, और वो उसको ज़्यादा इन्फेक्शन था, उसकी वजह से उसके एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा थे। तो वो कह रहे थे कि वो फिट पेशेंट फॉर प्लाज्मा, उसका प्लाज्मा निकाल के दूसरों को दे सकते हैं। तो ये तो बात चली थी। बाद में जब इसका मौका आया तो मुझे KMC की टीम के तरफ से फ़ोन आया कि आप हमारी मदद करें। तो मैं उसको फ़ोन किया, वहाँ के मुतवाली से बात किया और एक उसका दोस्त था उससे बात किया, तो वो एक आधे घंटे में मेरे पास लेके आए। लेके आने के बाद उससे मैं बात कर रहा था तो एकदम उसकी हालत चेंज हो गई। उसने कहा कि मेरी जान भी गई तो परवाह नहीं, मैं देता हूँ। तो हमने कन्विंस किया कि तेरी जान को कुछ नहीं होगा, तू जो खून देगा उससे एक जान बचेगी। और किम्स में ये पहली बार ICMR ने इसको इस प्रोजेक्ट को लिया है, तो और एक पेशेंट की जान भी बच सकती है। तो ये कहकर उसको मैं वहाँ पे भेजा, जिस डॉक्टर ने मुझे रब्ता किया था उसके पास भेजा। फिर उन्होंने शाम में उसका प्लाज्मा ले लिया, लेके दूसरे दिन वो पेशेंट को दिया 200 ml एक दिन, दूसरे दिन 200 ml। फिर बाद में दो दिन के बाद जो पेशेंट सीरियस था वो रिकवर हुआ। पेशेंट तो है अभी वहाँ पे, लेकिन रिकवर हो गया है। शायद एक या दो दिन में उसकी नेगेटिव आएगी रिपोर्ट और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कल किम्स में वहाँ के डायरेक्टर ने एक प्रेस मीट मिलाई थी और उसके बारे में बताया था कि सक्सेसफुल प्लाज्मा थेरेपी कर्नाटक में फर्स्ट टाइम हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी है क्या? लोगों को पता नहीं है अक्सर। लोग बताइए आप तफसील से क्या क्या चीज़ है जी। ये वायरस होता है, जब इंसान के जिस्म में जाता है तो खून में जो है माइक्रोफेजिस या लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स। तो इनके फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज, इसको जो वायरस होता है उसको एंटीजन कहते हैं हम लोग, इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज जो इसके जिस्म में होते हैं उसको फाइट करके उस बीमारी को, उस वायरस को जिस्म से निकालते हैं। तो ये एंटीबॉडीज जो पैदा हुए हैं वो कितनी सीवियरिटी थी, कितने वायरस के जिस्म में गए थे, उसके सिम्टम्स कैसे थे, उसके ऊपर वो एंटीबॉडीज ज़्यादा उतने होते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स थे, यानी जो उसके वो खांसी थी इसको, तो इसमें सिम्टम्स थे और ज़्यादा सिम्टम्स थे और इसके एंटीबॉडीज भी ज़्यादा थे, इसलिए इन्होंने इसको चूज़ किया। और एक पेशेंट को उन्होंने अभी तक उसके पीछे लगे हैं लेकिन वो मान नहीं रहा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि पहली मर्तबा कर्नाटक स्टेट के अंदर, वो भी हमारे शहर हुबली से, ये जो थेरापी जो है सक्सेस रही, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? ऐसा है कि बहुत से जगह इसको ट्राई किया गया है प्लाज्मा थेरेपी को, दिल्ली में, बॉम्बे में भी ट्राई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बेंगलुरु में भी ट्राई किया, लेकिन इसका सक्सेस नहीं हुआ है। तो पहली बार जो है हुबली में ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे इसके, ये पेशेंट होने के बाद जो बॉम्बे से आए हैं वो स्ट्रेन शायद बहुत ख़तरनाक है, तो उसको उसके सिम्टम्स भी ज़्यादा हैं और वो ICU में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें, लेकिन हमारे पास वैसे बहुत ख़तरनाक पेशेंट नहीं है, इसलिए ये एक खुशी की बात है। दूसरी बात, इसको जो है, जो ये पेशेंट था, सही वक्त पे वो प्लाज्मा देना चाहिए था। अच्छा। तो प्लाज्मा दिया गया है, उसकी वजह से वो पेशेंट बच गया है। अब जो लोग क्योर हो चुके हैं, अगर उनको बुलाया जाए प्लाज्मा देने के लिए, तो अगर वो दे दें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं? नहीं नहीं, उनको जो, अगर पेशेंट है, पेशेंट को अगर ये डोनर देता है तो शायद कोई रिएक्शन हो सकता है, जैसे ब्लड देते हैं, ब्लड के रिएक्शन जो होते हैं वैसे हो सकता है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत से चीज़ें हैं, वो मैनेज कर सकते हैं।
बहरहाल ये खुशी की बात है कि आपने कोविड पेशेंट को कोविड वॉरियर बना दिया, तो इसके मतलब क्या कहेंगे और दूसरों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम भी चाहते थे कि ये पहले हमारे कौम में जो अफवाह उठी थी, जिस जमात के तरफ से जो अफवाहें उठी थी उसके मुकाबले कुछ हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया हमें और ये लड़का जो है आया सामने, की वजह से कम अज़ कम एक तो खुशी हुई है और एक बता रहे हैं इसी कौम से है वो, तो शायद हम उसको अगर किम्स वाले अगर हमें रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे कि वो भी देखें। जो भी इस पर अफेक्टेड है, पहली बात तो कोरोना से डरे नहीं, अब इंडिया में आ गई है, अब भयानक मकदार में आ रहे हैं, केसेस बहुत आ रहे हैं माइग्रेंट लेबरर्स की वजह से, जहाँ से बॉम्बे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, यहाँ से जो भी आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें इंडिया में एक अच्छी बात ये हुई है कि इनकी मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट जो है बहुत कम है और सभी ऑलमोस्ट ट्रीट होके जा रहे हैं, सक्सेसफुली घर जा रहे हैं। ओनली थिंग जो बूढ़े हैं जिनके साथ दूसरी बीमारियां हैं वो लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए जो बूढ़े हैं 60-65 के ऊपर जिनके साथ डायबिटीज़ है, उनके साथ अस्थमेटिक्स हैं, वो लोग जो है बाहर ना जाएं, अभी भी एहतियात बरतें, डेफिनेटली ये बीमारी से आप फाइट कर सकते हैं। जब बीमारी हो गई तो दूसरों को डोनेट करने के एक जज्बा होना चाहिए जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को बचा सकता है, ये प्लाज्मा थेरेपी की तरह। आपने जो पेशेंट को कन्विंस करके प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उनको कहा, उनके प्लाज्मा से जो पेशेंट क्योर हुआ कोविड का, ये बहुत बड़ा काम है, ये बेशक मिल्लत के लिए हमारे शहर हुबली के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा आपकी तरफ से योगदान रहा है, क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी हो रही इस बात की कि हमने कुछ काम किया, ये ICMR प्रोजेक्ट था, अगर कोई नहीं देता दो दिन में तो शायद ये प्रोजेक्ट यहाँ से निकाल लेते, तो हमने ये कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को किम्स वाले ही करें और इस पेशेंट को हम वहाँ भेजें कन्विंस करके। कन्विंस करने में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, क्योंकि शायद मैं उस गली का था, उसको जानता था, इसलिए उसने मुझे मेरी बात मानी और फौरी चला गया। डेफिनेटली खुशी तो है कि हमने कुछ काम किया, मेरी तरफ से नहीं, वो पेशेंट ने काम किया, डोनेट दिया। अब इतना उस दिन मुझे बताया कि मेरी जान भी हाजिर है, अब मेरे ख्याल से वो ऐसा कह रहा है, मैं बोला उसको जान तेरी हाजिर है लेकिन जान तेरी भी अच्छी रहेगी, दूसरों की भी अच्छी रहेगी, तो और दूसरा देने के लिए भी रेडी है, वो दूसरा डोनेशन देने के लिए भी रेडी है, ऐसा जज्बा होना चाहिए। इंशाल्लाह इससे मरीजों को भी और इंसानियत के लिए भी मुफीद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये थे डॉक्टर बीजापुर साहब जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो भी मरीज़ शिफायाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं वो इस तरह के कामों में आएँ, आगे बढ़कर जो है हिस्सा लें और इस तरह जो दूसरों की जान भी बचाएं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम।